केंद्र सरकार ने दी नेजल वैक्सीन को मंजूरी, प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी सबसे पहले। चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच भारत सरकार अब हर एक कदम सावधानी से रख रही है। केंद्र कोरोना के खतरे से निपटने की हर तैयारी कर रहा है। अब भारत में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। आज से नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेजल वैक्सीन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। कोरोना केसों के बीच केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, साथ ही राज्यों को भी दिशा निर्देश दिए। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लग सकेगी। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इसे एक बूस्टर डोज की तरह लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनोवैक है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और यह 3 फेज के ट्रायल में असरदार साबित हुई है। यही कारण है कि कोरोना के खतरे के बीच इसे अब कोविन पोर्टल में शामिल किया जाएगा। कैसे होता है इसका इस्तेमाल? जब भी किसी वैक्सीन की बात होती है तो दिमाग में तस्वीर बन जाती है कि बाजुओं या शरीर के किसी भी हिस्से पर सुई से लगाई जाएगी, लेकिन नेजल वैक्सीन को हाथ पर लगाए जाने के बजाय नाक से दिया जाएगा। जितने भी अब तक शोध हुए हैं उनमें यही बात सामने आई है कि कोरोना नाक से ही शरीर में जगह बनाता है। ऐसे में अगर नाक से इस वैक्सीन को दिया जाएगा तो यह काफ़ी असरदार साबित होगी। क्या नेजल वैक्सीन से टलेगा कोरोना का खतरा? भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का 3 बार ट्रायल किया जा चुका है। खास बात यह है कि तीनों ट्रायल में यह असरदार साबित हुई है। पहले फेज के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। इसके बाद तीसरे फेज में 2 ट्रायल हुए थे। पहले में 3100 और दूसरे में 875 लोगों पर अलग अलग तरह से इसे इस्तेमाल किया गया है। एक में इसे 2 डोज वाली वैक्सीन की तरह और दूसरे में बूस्टर डोज की तरह दिया गया था। इम्यूनिटी बढ़ाने में करेगी मदद। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल के बाद यह दावा किया था कि यह काफ़ी असरदार है और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना से रिकवर हुआ जा सके। वैक्सीन कैसे करती है काम? वायरस ज़्यादातर नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। यह वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को आपके ब्लड में और आपकी नाक में प्रोटीन बनाने में करती है ताकि आप आसानी से वायरस से लड़ सकें। इसका असर आपकी बॉडी में लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक, साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।